हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ बेस्ट क्वेश्चन का सीरीज, ए सेट ई का अभ्यास एक है। इस तरह के 16 से 17 सेट हैं, सभी सेट में 10 से 12 अभ्यास है। कुल मिलाकर के 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन है, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, एमपी टेट हो जिसका एग्जाम हो चुका है, एंड चाहे एमपी का अब मेन एग्जाम सुपर टेट हो, एमपी सुपर टेट, चाहे आपके भी एस एनबीएस किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो मेरे चैनल पे आपको थ्योरी सेशन एंड ऑनलाइन क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सभी चीज़ें चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जाके आप चेकआउट कर लीजिए और जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा उसका स्कोर चेक कीजिए इस वीडियो के अंतर्गत। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपना सेल्फ स्टडी भी करिए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करने पर ही आपको सफलता मिलेगी, एक दिन से सफलता नहीं मिलेगी। कंपटीशन इतना हाई है, आप जान रहे हैं, क्वेश्चन भी सीधे साधे नहीं पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, इथनोग्राफिक अध्ययन से संबंधित शोधों में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथनोग्राफिक अध्ययन से संबंधित शोधों में मानव जाति के विज्ञान, मैनकाइंड साइंस का प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, राजकुमारी अमृत कौर का संबंध किस खेल से रहा है? तो दोस्तों, ये टेनिस खिलाड़ी थी और 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की इन्होंने स्थापना किया पटियाला में। ए भारत स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारत की स्वास्थ्य मंत्री थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार में लगातार 10 वर्षों तक किस क्षेत्र की मंत्री रही? तो यह रही स्वास्थ्य मंत्री। हमेशा राजकुमारी अमृत कौर किस राज्य व शहर के रहने वाली थी? तो यह रहने वाली थी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक के स्टेडियम को किस नाम से जाना जाता है? तो 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में जो ओलंपिक हुआ था उसको द बिग ओ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द बिग ओ स्टेडियम, जो जिस स्टेडियम में हुआ था उस स्टेडियम को बिग ओ, द बिग ओ स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार में किस मंत्रालय के मंत्री रहे हैं? तो ये दोस्तों, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। नेक्स्ट है, सी डी देशमुख का पूरा नाम क्या है? तो सी डी देशमुख का पूरा नाम चिंतामन द्वारका नाथ देशमुख है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद के पहले कोच का क्या नाम था? तो इनके पहले कोच का नाम था पंकज गुप्ता। नेक्स्ट है, 2014 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो 2014 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था सोची, रसिया में। 2014 का शीतकालीन ओलंपिक सोची, रूस में हुआ था। एंड आपसे जब पूछे कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ था, तो 1924 चेमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। एंड 2018 में कहाँ हुआ था? तो पियांग दक्षिण कोरिया में हुआ था। 2022 में बीजिंग चीन में हुआ था। नेक्स्ट, 2014 के शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 3 खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से।
नेक्स्ट है हिमांशु ठाकुर ने 2014 शीतकालीन ओलंपिक में किस स्पर्धा में भाग लिया था। तो हिमांशी ठाकुर ने 2014 के शीतकालीन ओलंपिक में अल्पाइन स्कीइंग में भाग लिया था। नेक्स्ट है शिवा केशवन ने 2014 शीतकालीन ओलंपिक में किस स्पर्धा में भाग लिया था। क्या क्वेश्चन है, शिवा केशवन ने 2014 के शीतकालीन ओलंपिक के किस स्पर्धा में भाग लिया था। इसका राइट आंसर है आइस स्केटिंग में। नेक्स्ट है नदीम इकबाल ने 2014 शीतकालीन ओलंपिक में किस स्पर्धा में भाग लिया था। तो नदीम इकबाल ने 2014 के शीतकालीन ओलंपिक में क्रॉस कंट्री स्कीइंग में भाग लिया था। नेक्स्ट है 2014 शीतकालीन ओलंपिक के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो ये थे हिमांशु ठाकुर। कौन था, हिमांशु ठाकुर। नेक्स्ट 2014 शीतकालीन ओलंपिक के प्रथम स्थान पर कौन सा देश आया था। तो 2014 में शीतकालीन ओलंपिक में रसिया जो है प्रथम आया था। नेक्स्ट है 2018 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजन हुआ था। तो 2018 आयोजन हुआ था प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में। प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। 2022 में कहाँ आयोजित हुआ है, बीजिंग चीन में। नेक्स्ट है 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 2018 का राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम जो है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो यहाँ पे गोल्ड कोस्ट नहीं दिया है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, तो आपका यही राइट होगा। नेक्स्ट है 2018 के एशियन खेल का, जैसे कि दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और 2022 में हुआ है दोहा बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहाँ पे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। और 22वां फीफा राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, और 23वां जो है होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026 में। नेक्स्ट है 2018 के एशियन खेल का आयोजन कहाँ होने जा रहा है। शायद ये पुराना प्रश्न पत्र है इसलिए 2018 का दिया है। तो एशियन खेल का आयोजन कहाँ होने जा रहा है, तो कहाँ हुआ था दोस्तों 2018 का एशियन गेम, तो आप सबको पता होगा ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। और 2022 का कहाँ हो रहा है, ग्वांगझोउ चीन में। नेक्स्ट 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था। तो 2016 का आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 2016 का कहाँ पे आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 2020 का कहाँ पे हुआ था, टोक्यो जापान में। तो 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, तो उसमें भारत ने वर्ली 2 पदक प्राप्त किया था, जिसमें से रजत पदक बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने प्राप्त किया था, और कांस्य पदक कुश्ती में साक्षी मलिक ने प्राप्त किया था 58 kg फ्री स्टाइल में, जिसमें ओलंपिक में प्रथम महिला कुश्ती विजेता, कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक बनी, और उसमें दीपा कर्माकर जो है वेट लिफ्टिंग में फाइनल में पहुंची थी। तो वेट लिफ्टिंग में फाइनल में पहुंचने वाली दीपा कर्माकर भी पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट है 2014 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था। 2018 का तो आपने जाना गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 2022 का बर्मिंघम इंग्लैंड में, 2014 का पिछला ये पूछ रहा है। तो 2014 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट है 2014 का एशियन गेम
का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2018 का जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, एशियन गेम। 2022 में ग्वांगझोउ चीन में होगा। और 2014 कहाँ आयोजित हुआ था एशियन गेम? तो 2014 का आयोजित हुआ था इंचियोन, दक्षिण कोरिया में। जैसे कि दोस्तों, एशियन गेम की शुरुआत 1951 में नई दिल्ली में हुआ। इसके पितामह कहे जाते हैं प्रोफेसर जी डी सोंधी, जैसे आधुनिक ओलंपिक के पितामह बैरन पीरेडी कुबर्डिंग को कहते हैं, उसी प्रकार एशियन गेम को शुरू कराने का श्रेय है प्रोफेसर जी डी सोंधी को, और इन्हें एशियन गेम का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2018 का फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 2018 का फीफा विश्व कप हुआ था रूस में, रसिया में। 2018 का फीफा विश्व कप रसिया में हुआ था। अब बट 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ हुआ है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोहा कतर में हुआ है। ठीक है, 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोहा कतर में हुआ है, और 2018 का रसिया में हुआ था। एंड नेक्स्ट आपका होगा 23वां फीफा वर्ल्ड कप संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, तीन देशों में। नेक्स्ट है, 2014 का फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2014 का कहाँ आयोजित हुआ था फीफा विश्व कप? ब्राजील में। एंड 2018 का कहाँ हुआ था? तो रूस में। 2022 का दोहा कतर में। 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में होगा। नेक्स्ट है, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये 6 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को किस वर्ष से पहली बार मनाया गया था? तो यह सबसे पहली बार 1999 से में मनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत ने किस खेल में लगातार 7 बार स्वर्ण पदक एशियन खेलों में अर्जित किए हैं? तो वह खेल है कबड्डी। नेक्स्ट है, सैयद मोदी स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोरखपुर में। नेक्स्ट है, ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए? तो वो है दोस्तों पीटी उषा, 400 मीटर दौड़ में। एंड पुरुषों में मिल्खा सिंह है। नेक्स्ट है, किस विद्वान को खेल चिकित्सकी शास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को किसको मिला कहा जाता है? यहाँ पे आपको देखना है कि चिकित्सा शास्त्र नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है खेल चिकित्सा शास्त्र का पितामह। तो खेल चिकित्सा शास्त्र का पितामह है हेरोडिकस, जबकि चिकित्सा शास्त्र के पितामह हिप्पोक्रेटस हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि चिकित्सा शास्त्र के पितामह कौन है? हिप्पोक्रेटस। और खेल चिकित्सा शास्त्र के पितामह है हेरोडिकस। नेक्स्ट, किस विद्वान को आधुनिक चिकित्सकीय शास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र पूछा है हिप्पोक्रेटस को, ये यूनान के थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत हुआ 1995 में, और यह 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, क्रिकेट खेल में प्रकाश मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्रिकेट खेल में प्रकाश मापने के यंत्र को लक्ष्य मीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसा अभ्यास जिसमें हृदय गति लगभग 175 से 180 प्रति मिनट पहुंच जाए, और उस दौरान VO2 मैक्स 90 से 100% तक पहुंच जाए, तो अभ्यास की चाल क्या कहेंगे? तो ऐसे अभ्यास को चाल को हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल स्पीड।
VO2 max का मतलब होता है अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा खनिज रक्त को जमाने में मदद करता है? तो खनिजों में आपको बात करें रक्त को थक्का जमाने का, तो कैल्शियम हो जाएगा। विटामिन में बात करें तो विटामिन के हो जाएगा। रक्त कणिका में बात करें तो प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। एंड रक्त प्रोटीन की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन हो जाएगा, जो जिसका निर्माण यकृत में होता है। ये सभी रक्त को थक्का जमाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, हैमस्ट्रिंग मसल्स निम्न से किसमें सहायक है? तो हमारे जांघ के पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स पाई जाती है, जो तीन पेशियों से मिलकर बनी होती है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस। यह पेशी घुटने को मोड़ने के लिए काम आती है, यानी घुटने का फ्लेक्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जांघ के ऊपर क्वाड्रिसेप्स मसल्स है एंड जांघ के उस पार पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स है। क्वाड्रिसेप्स मसल जो है जांघ पैर को फैलाने और हिप को मोड़ने में काम करता है। नेक्स्ट है, बैकबोन का संबंध किससे नहीं होता? तो यहाँ ऑप्शन है जॉनसन सॉकर टेस्ट, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट। इन तीनों में बैकबोन का प्रयोग होता है, क्योंकि ये तीनों सॉकर टेस्ट फुटबॉल टेस्ट से ही रिलेटेड हैं। बस यहाँ पे रसल लंज में टेस्ट में नहीं होता, क्योंकि यह वॉलीबॉल टेस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक स्वास्थ्य का कारक नहीं है? तो यहाँ पे एजिलिटी स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस है। जैसा आपका क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन जमा नहीं होता? दोस्तों, विटामिन सी जो होता है वह हमारे शरीर में जमा नहीं होता, यूरिन के साथ बाहर आ जाता है उपयोग होने के बाद। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल के छल्लों में हरा रंग किसको दर्शाता है? तो हरा रंग जो है ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। जैसे कि ओलंपिक छल्ले 5 छल्ले होते हैं, जिसमें नीला, पीला, काला, हरा, लाल 5 रंग के होते हैं। इसमें नीला यूरोप का प्रतीक है, पीला एशिया का प्रतीक है, काला अफ्रीका का प्रतीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। ये 5ों छल्ले 5 महादेश यानी दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, अल्सर किसका रोग है? तो दोस्तों, अल्सर एक आंतों का इंटेस्टाइन का रोग है। नेक्स्ट, कौन शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता? तो दोस्तों, यदि शरीर के अंदर रक्त थक्का जम जाएगा तो मृत्यु हो जाएगा। तो कौन ऐसा पदार्थ है जो रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है शरीर के अंदर, उसको जमने नहीं देता? वो होता है हिपेरिन। हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है, और जो ही हम कटते हैं या कट जाते हैं, रक्त तो बाहर निकलता है, तो वायु के संपर्क में, वातावरण के संपर्क में आने पर जो हिपेरिन होता है वह काम नहीं करता, अपना काम करना बंद कर देता है, और जो रक्त को जमाने वाले चीजें हैं वो अपना काम करने लगते हैं और रक्त जम जाता है। और हिपेरिन का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, हिचकिक टेक्निक संबंधित है? तो हिचकिक टेक्निक संबंधित है लंबी कूद से, हिचकिक, हैंग स्टाइल, सेल स्टाइल, ये तीनों है आपके लंबी कूद से रिलेटेड। नेक्स्ट है, 100 मीटर में पहले राउंड की हिट्स होने के पश्चात दूसरे राउंड की हिट्स कितने समय पश्चात होगी? तो इसका राइट आंसर है 45 मिनट के पश्चात। नेक्स्ट है, पानी बाधा दौड़ में यदि पानी की बाधा अंदर हो तो स्टार्ट फिनिशिंग लाइन में कितने आगे होगा? तो दोस्तों, पानी बाधा दौड़ में
जो जल कुद होता है उसको ट्रैक के अंदर या बाहर रखा जाता है। यदि अंदर रखा जाता है तो 10 मीटर कम 390 मीटर का ट्रैक की दूरी हो जाएगी, बाहर रखा जाता है तो 10 मीटर ज़्यादा 410 मीटर की ट्रैक की दूरी हो जाएगी। इसको शुरुआत कैसे किया जाएगा? यदि पानी बाधा दल को अंदर रखा जाएगा तो शुरुआत 270 मीटर फिनिशिंग लाइन के पीछे से शुरू होगा। कितने मीटर? 270 मीटर। अगर बाहर रखा जाएगा तो 120 मीटर फिनिशिंग लाइन से पीछे स्टार्ट होगा। पानी बाधा दौड़ स्टीपल चेज दौड़ में 28 बाधा, 7 जल कूद होता है, कुल 35 बाधाएं होती हैं। नेक्स्ट है 800 मीटर दौड़ के लिए स्ट्रेगर का सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए कि 800 मीटर दौड़ के लिए स्ट्रेगर का सूत्र क्या होगा। तो इसका सही जवाब है हाफ स्ट्रेगर प्लस डीईडी। एंड जब आपका फुल स्ट्रेगर यानी 400 मीटर का स्ट्रेगर का सूत्र पूछेगा तो 400 मीटर का सूत्र हो जाएगा W n माइनस वन माइनस 10 टू पाई, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड 200 मीटर हाफ स्ट्रेगर का पूछेगा तो ओनली इसमें से 2 हट जाएगा, ओनली पाई रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या गलत है? तो यहाँ पे आपका गलत है 1500 मीटर दौड़ स्प्लिट स्टार्ट, ये आपका गलत है। जबकि 400 मीटर एक्सलेशन रेस जोन एंड रिले रेस के धावक को एंकर रनर बोला जाता है। 5000 मीटर को ब्रेक पॉइंट, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है लीन फोर क्रिस्टी। लीन फोर क्रिस्टी का संबंध किस खेल से है? तो लीन फोर क्रिस्टी का संबंध है एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर किस मंत्रालय की मंत्री थी? तो यह स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। कोचिंग स्कीम 1953 में पटियाला में बनाया गया। एंड राजकुमारी अमृत कौर एक टेनिस खिलाड़ी थी। नेक्स्ट है LNCPE यानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का शिलान्यास फाउंडेशन किसने किया था? तो इसको किया था डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन किया था? डॉक्टर राधा कृष्णन। इसकी स्थापना 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में ताराचंद कमेटी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे विटामिन ए का प्रीकर्सर कहा जाता है? तो विटामिन ए का प्रीकर्सर कैरोटीन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कैरोटीन को। जब विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो कैरोटीन नहीं बन पाता है और हमारे आँखों में जो होता है एक रेडॉप्सिन लेयर होता है जिसमें कोन सेल और रोड सेल होता है। तो कोन सेल और रोड सेल रेडॉप्सिन लेयर खराब हो जाता है जिससे नाइट ब्लाइंडनेस रतौधि रोग हो जाता है। तो दोस्तों ये था इस आज के सेशन में 50 क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए। एंड जो भी टॉपिक दोस्तों अभी बचे हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण से मैं जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी और डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस को जल्द से जल्द खत्म करूंगी। आप मेरे साथ बस डेली बेसिस पे बने रहिए, चाहे किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।